अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हमारे कोर्स की सेवंथ वीडियो है कि व्हाट इज गूगल इंडेक्स, कि गूगल इंडेक्स क्या है। देखिए, हमने अपने क्लाइंट का आर्टिकल एक अच्छी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट कर लिया है, ठीक है। अब जब तक आर्टिकल गूगल इंडेक्स नहीं होगा, गूगल के हमारा जो आर्टिकल है वो इंडेक्स नहीं होगा, तो गूगल का जब क्रॉलर आएगा उसको रीड करेगा तो एक्सेप्ट करेगा तो हमारे क्लाइंट को बेनिफिट होगा ना। अदरवाइज हम गूगल के प्लेटफॉर्म पर काम करने जा रहे हैं तो गूगल ही उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर हमारा क्या फ़ायदा। तो सबसे पहले हमने ऐसी वेबसाइट के साथ काम करना है जिसके आर्टिकल भी गूगल पर इंडेक्स हो रहे हो, ठीक है। अब एक गूगल इंडेक्स से आगे अब एंकर टेक्स्ट क्या होता है, लाइव लिंक क्या होता है और एंड में टैग क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलते हैं वीडियो की जाने और डिटेल से इन चीज़ों को देखते हैं कि आखिर इनके बेनिफिट्स क्या हैं और इनको हमने कैसे यूटिलाइज करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे गूगल इंडेक्स और गूगल अप्रूव्ड वेबसाइट्स। देखिए, हमने गेस्ट पोस्टिंग में अपने क्लाइंट का जो आर्टिकल है वो किसी अच्छी वेबसाइट पे पोस्ट करवा दिया, ठीक है। उसमें हमने अपने क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक भी लगा दिया कि ट्रैफिक हमारे क्लाइंट की वेबसाइट पे पहुंचे, और वो लिंक भी मैंने बताया था डू फॉलो लगा दिया, ठीक है। अब देखिए, ट्रैफिक तो तब जनरेट होगी ना कि जब गूगल इस आर्टिकल को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। उसके लिए हमें चेक करना होता है कि हर वेबसाइट का, कि किस वेबसाइट के जो आर्टिकल है वो गूगल पर इंडेक्स हो रहे हैं और किस वेबसाइट के जो आर्टिकल है गूगल पर इंडेक्स नहीं हो रहे। ऐसी वेबसाइट जिसके आर्टिकल गूगल एक्सेप्ट कर रहा है, गूगल इंडेक्स कर रहा है, हमने ऐसी वेबसाइट्स को अपनी लिस्ट में ऐड करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें गूगल इंडेक्स की, तो गूगल इंडेक्स का मतलब होता है कि जो आर्टिकल है वो गूगल पर इंडेक्स हो रहा है या नहीं हो रहा। मेन चीज़ है, हमारा क्लाइंट, मैंने क्या बोला था, वो मांगेगा कि आपकी जो वेबसाइट है जिस वेबसाइट पर आप मेरा आर्टिकल पोस्ट करवाने जा रहे हो, क्या वो डूफॉलो लिंक देगी, ठीक है। क्या उसके आर्टिकल गूगल पर इंडेक्स होंगे, वो कैसे। फर्स्ट कर लो, एक आर्टिकल है वो गूगल पर इंडेक्स हो जाता है। कैसे होता है कि गूगल का जो क्रॉलर है वो आता है, वो उस आर्टिकल को रीड करता है। अगर तो वो आर्टिकल बिल्कुल ठीक होता है, ठीक है, मतलब उसके ऊपर कोई भी जो कंटेंट है वो कॉपी नहीं किया होता, मीन कि किसी और की कुछ लाइनें आर्टिकल में कॉपी करके अपने आर्टिकल में पेस्ट कर लेनी, इसको बोलते हैं डुप्लीकेट कंटेंट। डुप्लीकेट कंटेंट मौजूद नहीं है, इसलिए जो हमारा आर्टिकल है वो गूगल पर एक्सेप्ट नहीं होता। इसलिए गूगल का जो क्रॉलर होता है पहले वो आता है, रीड करता है। अगर तो हमारा आर्टिकल बिल्कुल ओके है तो फिर गूगल उसको अपने ऊपर इंडेक्स कर लेता है। गूगल के प्लेटफॉर्म पर जब आर्टिकल इंडेक्स हो जाता है तब हमारा जो आर्टिकल है वो रैंक कर जाता है। और ये मैं आपको प्रैक्टिकली स्क्रीन शेयर करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। इसका मतलब है कि हमने ऐसी वेबसाइट्स अपने क्लाइंट्स को देनी है जिसके जो आर्टिकल है गूगल पर इंडेक्स हो रहे हैं। कैसे इंडेक्स होते हैं, हमने सिंपली साइट लिख के और कोलन मार्क, ये जो कोलन मार्क लिख के आगे एक लिंक लगाना होता है। कौन सा लिंक, वो मैं आपको बताऊंगा, आर्टिकल का कौन सा लिंक लगाना होता है वो मैं स्क्रीन शेयर करके बताऊंगा। फिलहाल आपने यही समझना है कि हमने गूगल इंडेक्स का मतलब क्या होता है और गूगल इंडेक्स कैसे आर्टिकल होते हैं, ऐसे होते हैं, हमने ऐसे चेक करना होता है। अच्छा जी, मैंने एक बात बोली थी अभी कि जिस वेबसाइट के आर्टिकल गूगल पर इंडेक्स हो रहे हैं उस वेबसाइट को बोलते हैं गूगल अप्रूव्ड वेबसाइट। फर्ज कर लो, एक वेबसाइट है, हम एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। ये मैंने 1lakhblog.com एक वेबसाइट ओपन कर लिया। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर बड़ा सारा लिखा है गूगल न्यूज अप्रूव वेबसाइट, मीन के इस वेबसाइट के जो आर्टिकल है वो गूगल पर इंडेक्स हो रहे हैं, इसलिए इन्होंने लिखा है कि जो हमारी वेबसाइट है गूगल न्यूज अप्रूव। और अगर हम बैक वहां पर चलते हैं अपने पेज की तरफ तो यहाँ पर भी क्या लिखा है, गूगल अप्रूव वेबसाइट। ऐसी वेबसाइट जिनके आर्टिकल गूगल पर इंडेक्स हो रहे हैं तो उनको हम बोलेंगे गूगल अप्रूव वेबसाइट। अब आगे अगर एंकर टैक्स, ये एंकर टैक्स क्या होता है, फर्ज कर लो एक मैंने आपको बोला था गेस्ट पोस्टिंग में हमने अपने क्लाइंट का जो आर्टिकल है किसी अच्छी वेबसाइट पर पोस्ट करवा के उसमें अपना लिंक लगा देना, ठीक है। अब तो जिस कीवर्ड में लिंक लगाएंगे उस कीवर्ड को एंकर टैक्स बोलेंगे। फर्ज कर लो एक वेबसाइट है, हमने ओपन कर ली, इसका एक आर्टिकल ओपन कर लेते हैं, इसका कोई भी हमने आर्टिकल ओपन कर लिया। अब इस आर्टिकल में हम देखेंगे कहीं पे लिंक तो नहीं लगा हुआ। अगर स्क्रॉल डाउन करें यहाँ पर देखें, ये हाईलाइट है। अब जैसे कर्सर लेके आए इसके ऊपर, ये रेड कलर का हो गया, इसमें लिंक लगा हुआ। अब इस कंप्लीट कीवर्ड को हम एंकर टेक्स्ट बोल लेंगे, जिस क्योंकि इसमें लिंक लगा हुआ है। हम जैसे इस पे देखें कर्सर लेके, इसका जो कलर है वो रेड होगा, कर्सर हटाएंगे तो ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। मीन के इसमें जो लिंक लगा हुआ, इस कीवर्ड को हम एंकर टेक्स्ट बोलेंगे। मीन के क्लाइंट हमें अपना आर्टिकल तो सेंड करेगा, अपनी वेबसाइट का लिंक भी सेंड करेगा लगाने के लिए, और वो एंकर टेक्स्ट, ये जो एंकर टेक्स्ट है ये भी हमें क्लाइंट ही बताएगा कि इस आर्टिकल के इस एंकर टेक्स्ट में जाके मेरा लिंक लगा दो, ठीक है। अब अगर वापस अपने पेज की तरफ हम आए तो
तो हमारा गूगल इंडेक्स भी क्लियर हो गया है अपलोड। ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके भी दिखाऊंगा। एंकर टेक्स्ट से भी पता चल गया कि जिस कीवर्ड में हम लिंक लगाते हैं उस कीवर्ड को एंकर टेक्स्ट बोलते हैं। अब अगर बात कर लीजिए लाइव लिंक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये तीन चार जगह पे यूज होता है। अगर आप बात कर लें लाइव लिंक होता क्या, हमने अपने क्लाइंट का जो आर्टिकल है वो एक अच्छी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करवा दिया, अब ऐसा कौन सा लिंक होगा कि जो हमें जिस वेबसाइट पर हमने अपने क्लाइंट का आर्टिकल पोस्ट करवाया, अब उस वेबसाइट पे तो हजारों आर्टिकल पोस्ट हो रहे हैं, ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे जो क्लाइंट का आर्टिकल है वो पोस्ट हुआ कि नहीं हुआ। मीन के वो क्या पता आज पोस्ट हो, क्या पता कल। अब हम डेली तो चेक नहीं कर सकते, हमें ऐसा क्या कौन सा लिंक ऐसा एडमिन हमें सेंड करे कि हमें पता चल जाए कि हमारा जो आर्टिकल है वो पोस्ट हो चुका हुआ है, ठीक है। तो वो कौन सा, उसको बोलते हैं लाइव लिंक। लाइव लिंक होता है क्या, फर्ज कर लो एक वेबसाइट है, ठीक है, इस वेबसाइट का हमने ये वाला जो आर्टिकल है ये ओपन किया हुआ है, ठीक है, इस आर्टिकल का ये जो कंप्लीट लिंक होता है, फर्ज कर लो अगर हम इसको ओपन करें, इसको स्क्रॉल अप करें, अब फर्ज करें अगर हमने इसको स्क्रॉल अप कर लिया, यहाँ पर देखिए आर्टिकल का नेम क्या है, 5 कंपेलिंग रीजन टू ऑप्ट फॉर हाई क्वालिटी बेक्ड गुड्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर सर्च बार में भी यही लिखा है 5 कंपेलिंग रीजन, ठीक है, मीन के वही जो आर्टिकल का नेम इधर है वही सर्च बार में है, ठीक है। अब सबसे पहले वेबसाइट का नेम आ गया, फिर उसके आगे आर्टिकल का नेम आ गया, वो कैसे, पहले हमने वेबसाइट को ओपन किया, फिर वेबसाइट के आर्टिकल को ओपन किया, जिस आर्टिकल को ओपन किया जो इसका नेम मिला है वो सर्च बार में। अब ये जो कंप्लीट लिंक है, इस कंप्लीट लिंक को हम लाइव लिंक बोलेंगे। फर्ज कर लो हमारे क्लाइंट का यही आर्टिकल है, ठीक है, अभी हमने एक वेबसाइट, फर्ज कर लो इसी वेबसाइट पे हमने अपने क्लाइंट का यही आर्टिकल पोस्ट करवा दिया। अब जो इसका मालिक है, जो इसका एडमिन है, वो हमें ये कंप्लीट लिंक सेंड करेगा जिसमें उसकी वेबसाइट का नेम भी आ जाएगा और आर्टिकल का नेम भी। जब ये लिंक हमें वो सेंड करेगा, हम लिंक पे क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट इस वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। तो इस लिंक को, कंप्लीट लिंक को लाइव लिंक बोलते हैं। अभी मैंने एक चीज बताई, गूगल इंडेक्स, गूगल इंडेक्स में भी ये यूज होता है। कैसे यूज होता है, हमने साइट लिख के कॉलम मार्क डाल के आगे क्या लाइव लिंक यहाँ पर पेस्ट करना है और हमने गूगल पर इसको पेस्ट करके क्लिक कर देना है, तो हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि हमारा जो आर्टिकल है वो गूगल पर इंडेक्स हुआ है कि नहीं हुआ। अब ये लास्ट चीज जो हमारी रह गई है वो है टैग। अब ये टैग क्या होता है, टैग होता है टर्न अराउंड टाइम, क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम, ठीक है, कि जो वेबसाइट का मालिक है, जो एडमिन है, जो गैस पोस्टिंग वेबसाइट है जिनके ऊपर हमने आर्टिकल पोस्ट करवाना है, वो हमारे क्लाइंट का आर्टिकल कितने दिनों में पोस्ट करके हमें लाइव लिंक देंगे, ठीक है। जाहिर सी बात, वो तो मैंने बता दिया कि एडमिन अपनी वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल पोस्ट करके हमें लिंक सेंड करेगा, उसको हम लाइव लिंक बोलते हैं, ठीक है। अब टैग का मतलब होता है टर्न अराउंड टाइम, कि जो वो हमें लिंक सेंड करेगा अपनी वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल पोस्ट करवा के हमें लिंक सेंड करेगा, वो कितने दिनों में करेगा, उसको हम टैग बोलते हैं, टर्न अराउंड टाइम। ये हम जब उनको मेल करेंगे तो हर चीज वो हमें बताएंगे कि जो हमारी वेबसाइट है वो डू फॉलो लिंक दे रही है, हमारी वेबसाइट के जो आर्टिकल है वो गूगल पर इंडेक्स हो रहे हैं, और हमारा जो टैग है, जो हम टाइम है, वो एक दिन में आपके आर्टिकल पोस्ट करेंगे, दो दिन में करेंगे या तीन दिन में, ठीक है। एक चीज ध्यान में याद रखिएगा, हमेशा जो आर्टिकल गूगल पर इंडेक्स होते हैं, आर्टिकल गूगल पर इंडेक्स होते हैं, जो वेबसाइट है वो इंडेक्स नहीं होती, वेबसाइट के आर्टिकल गूगल पर इंडेक्स होते हैं, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं स्क्रीन की जानिब, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके ये सारी चीजें प्रैक्टिकली शो करवाता हूँ। गूगल पे आर्टिकल हमें कैसे पता चलेगा ये इंडेक्स हुआ है या नहीं, ये एक आर्टिकल है, व्हाट टू नो अबाउट द टाइप ऑफ सीबीडी, ठीक है, ये एक आर्टिकल है, ठीक है। अब हमने ये चेक करना है कि ये आर्टिकल गूगल पे इंडेक्स हुआ है कि नहीं हुआ है। हमने सिंपली क्या करना है, हमने ये जो इसके ऊपर वाला जिसको हम लाइव लिंक बोलते हैं, हमने ये जो लाइव लिंक होगा इसको करना है कॉपी यहाँ से, ठीक है, एक न्यू टैब में जाना है, ये हमें गूगल के न्यू टैब में आ गया। हमने यहाँ पे सिंपली क्या लिखना है, स्मॉल कीवर्ड्स में लिखना है SITE साइट, SITE साइट लिखना है, शिफ्ट को प्रेस करना है, फिर L के साथ कॉलर मार्क होता है, हमने उसको दबा देना है, ये कॉलर मार्क लग गया, ठीक है। साइट लिख के शिफ्ट दबा के ये कॉलर मार्क डालना है, क्या कर देना है, पेस्ट, ठीक है, और हमने कर देना है इंटर, ठीक है। अब ये देखें, योर सर्च, ये हमारी सर्च है, ये इसने क्या लिखा, डिड नॉट मैच एनी डॉक्यूमेंट, मीन के इसने अभी तक ये आर्टिकल गूगल ने अभी तक इंडेक्स नहीं किया, ठीक है। इसने क्या लिखा, डिड नॉट मैच एनी डॉक्यूमेंट, उन्होंने कहा नीचे मेक श्योर डेट ऑल वर्ड्स आर स्पेल्ड करेक्टली,
क्या इसमें कोई ग्रामरली मिस्टेक तो नहीं है? ट्राई डिफरेंट कीवर्ड्स, कोई डिफरेंट कीवर्ड यूज करे, ट्राई मोर जनरल कीवर्ड्स, ठीक है? अभी तक ये गूगल पे इंडेक्स नहीं हुआ, मीन कि अभी तक इसका जिसने भी ये आर्टिकल पोस्ट करवाया उसको कोई फायदा नहीं हुआ। अब ये तो था जो कल पोस्ट हुआ, अब हम इससे कोई पुराना चले जाते हैं, जैसे कि ये 3 फेब को ये वाले आर्टिकल पोस्ट हुए थे। हम इसको न्यू टैब में ओपन करते हैं, इस आर्टिकल को हम इसका जो लिंक है ना ये इसको कॉपी करते हैं, ठीक है? और यहाँ पे जाके जैसे मैंने बताया था कि हमने साइट लिखा, SITE साइट, फिर उसके आगे एक कोलन मार्क पुट किया, ठीक है? और फिर हमने इसका जाके पेस्ट कर दिया, ठीक है? अब हम इस पे इंटर करते हैं, ये देखिए, ये 6 days ago ये कौन सा आर्टिकल, द थ्रिल ऑफ रियल कैश रमी गेम्स एक लास्ट ब्लॉग डॉट, ये वाला आर्टिकल 6 days ago यहाँ पे गूगल पे इंडेक्स हो चुका हुआ है, ठीक है? अब इसके ऊपर ट्रैफिक जाना स्टार्ट हो चुकी है। आर्टिकल का नेम इधर से रीड कीजिए, द थ्रिल ऑफ रियल कैश, द थ्रिल ऑफ रियल कैश रमी गेम्स, ये वाला, ठीक है?